अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारे हाफ़िज़ मोहम्मद बिलाल साहब जिन्होंने आपके सामने अभी तिलावत कुरान पाक पढ़ी। तो अब हम आप साहब से पूछेंगे कि उन्होंने कितनी देर हो गई है जो उनसे ये हिफ्ज किया हुआ है। आप साहब कितनी देर हो गई है ये आपको हिफ्ज किए हुए? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह मुझे तकरीबन 10 साल हुए हिफ्ज किए हुए हैं माशाल्लाह, और अल्लाह की मेहरबानी से 9 मसल्ले तकरीबन 8-9 मसल्ले मैंने मुकम्मल कर लिए हैं। मुकम्मल 9-8 मसल्ले मैंने पढ़े हैं और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आइंदा भी इसी साल में अल्लाह की मेहरबानी से मसल्ला पढ़ूंगा और पढ़ता रहूंगा इंशाल्लाह रही ज़िंदगी। तो इसी तरह मैं बढ़ चढ़ के मेरी यही ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे दीन के रस्ते पे चलने की तौफीक दे, अल्लाह ताला मुझे दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। तो दुआ है कि अल्लाह ताला सन सब नु इसी तरह सारे हम दोस्तों कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमामी। ठीक हो गया हब साहब। इधर पहले हमारे जी अब्दुल हमीद साहब थे, इमाम थे मस्जिद के, और वो स्कूल टीचर भी थे, अरबी टीचर थे हमारे। ठीक है, हम खुद जो साहब जाते हैं उनसे पढ़े हुए हैं, अरबी टीचर थे हमारे माशाल्लाह। तो वो पिछले ये दिसंबर में जो उनसे रज़ाए-ए-इलाही से वफात पा गए थे, तो उनकी अब हमें मौजूदगी जो उनसे है वो बहुत ही याद आती है गैर मौजूदगी उनकी। तो उनकी गैर मौजूदगी में अब हाफ़िज़ साहब हैं हमारे जो इधर इमामत करवाते हैं मस्जिद में, ठीक है, तो इनके ऊपर ये जिम्मेदारी है। ठीक है, इन्होंने माशाल्लाह ये पूरा वक़्त देते हैं मस्जिद में, ठीक है, अपने वक़्त पर हर नमाज अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो मस्जिदें हैं वो इमाम से ही इबाद होती हैं। ठीक है, इमाम होगा, नमाज होगी, जमात होगी, तो उसी के होने से जो है मस्जिदें आबाद होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें हाफ़िज़ साहब जैसे एक होनहार जो है इमाम मिले हैं इधर हमारे हम उम्र है। देखो ना भाई जान, ऐसे कुछ ऐसी मस्जिदें हैं जो एक इमाम की वजह से बेबाद हो जाती हैं। जी जी बिल्कुल। जब मस्जिद में इमाम होगा तो नमाजी होंगे, जब इमाम ना होगा मस्जिद में तो नमाजी कैसे होंगे? जी। तो इसी तरह सब नु चाहिए कि अपनी मस्जिद का ख्याल रखें, अपने मोहल्ले की मस्जिद में इमाम रखें और सबको अल्लाह ताला नमाज पढ़ने की तौफीक दे। आमीन आमीन। ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ही खुशी भी होती है। ठीक है, क्योंकि आप साहब आपको पता है कि जो हाफ़िज़ कुरान होता है, हमने अपने उस्ताज़ा कराम से सुना है कि जो हाफ़िज़ कुरान होता है उसका एक जिंदा मौजज़ा ये भी होता है कि जब वो बुढ़ापे में चला जाता है उसकी जो कमर होती है उसमें झुकाव पैदा नहीं होता। आम तौर पर तो जो लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी कमर में अमूमन ये होता है कि वो उनकी कमर जो उनसे झुक जाती है, लेकिन जो हाफ़िज़ कुरान होता है उसकी फजीलत में ये भी आता है कि उसकी कमर, उसके सीने में कुरान होता है, तो अल्लाह ताला उसकी कमर को कभी भी झुकाता नहीं है। बहुत फजीलत है हाफ़िज़ कुरान की। तो हमें मैंने हदीस पढ़ी है जी, हम तो गुनाहगार हैं, हम कोई इतने बामल नहीं है, हम तो गुनाहगार हैं आपकी बारगाह में, तो हम बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बा अमल हमें बनाए। आमीन। तो हमें हदीस मैंने पढ़ी है कि जो बा अमल हाफ़िज़ कुरान कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान से 40 दिन वास्ते कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है, जिनकी कब्रों पर अजाब होता है, जो बा अमल होते हैं। हम तो रब की बारगाह में गुनाहगार, हम बस यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें दीन के रस्ते पे चलने की तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें बा अमल बनाए। ठीक है, चलें जी, अल्लाह ताला हमारी नस्लों में जो है वो आगे भी हमें जो है ना हाफ़िज़ कुरान मिले। हम तो यही दुआ करते हैं हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनमें मजीद जो है ना हाफ़िज़ कुरान बने, और हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि अपने बच्चों को जो है वो हिफ़्ज़ कुरान की तरफ जो है ना उनकी तवज्जो दिलाई जाए। तो हाफ़िज़ साहब से हम पूछते हैं कि आप उनकी आगे माशाल्लाह शादी होगी हुई है, तो माशाल्लाह हाफ़िज़ साहब के 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, तो हाफ़िज़ साहब आपका आगे क्या इरादा है, अपने बच्चों को हिफ्ज़े कुरान की तरफ ले जाने के मतलब आपका क्या इरादा है? देखिए जी, मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी दे और मेरे सब लोगों को ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं अपने बेटे को इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से एक आलमी दीन बहुत ही अच्छे अदारे में, अपने पीरो मुर्शद आस्ताना अली आलू महार शरीफ में जो नया अदारा तमीर हो रहा है उसमें मेरी ये ख्वाहिश है कि साहबजादा पीर सैयद मुर्तजा मीन शाह साहब जो अपने आस्ताने में एक तंजीम अदारा जो तमीर करवा रहे हैं, मेरी ये ख्वाहिश अपने बेटे को उधर ही दाखिल करवाऊँगा और इंशाल्लाह एक बहुत ही
قابل اور عالم دین میری یہ خواہش ہے کہ اپنے بیٹے کو دین کی طرف لے جانے کی میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ آپ کی یہ خواہش اللہ تعالیٰ پوری فرمائے اور ہمیں بھی جو اپنی ہوئی اولادوں کو اپنی نسل کو جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ.